हाय गाइस, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ड्रैग रेस वीडियो। गाइस, आज हम ड्रैग रेस करेंगे नए वाली टाटा हैरियर की। पावर स्पेक्स इसमें सेम रहने वाली है जो पहले आती थी, 170 bhp, 350 nm ऑफ टॉर्क, 2 लीटर डीजल इंजन आता है, फियाट की तरफ से आता है भाई, टाटा फियाट से सोर्स करता है। और इसमें 6 स्पीड जो अपना ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड है टॉर्क कन्वर्टर। वहीं बात कर ले इसकी साथ जिसकी ड्रैग होने वाली है, वो है अपनी ट्यून्ड स्कोडा कुशाक आरव सेठी वाली। आपने पहले ही बहुत सारी ड्रैग देखी होंगी भाई इसकी। एक बार लुक दिखा देता हूँ, इसने रैप कराया है, और एक बार सामने से हैरियर की और लुक दिखा देता हूँ तेरे को। पहले से थोड़ी भिड़ी भिड़ी नहीं लग रही, पहले ज्यादा चौड़ी चौड़ी थी ना, बल्कि थी। तो ये देख लो दोनों गाड़ियों की लुक। इसमें है भाई स्टेज वन ट्यून्ड है, तो ये 140 bhp है, 1 लीटर TSI है, 140 bhp, 240 nm ऑफ टॉर्क और मैनुअल है गाड़ी। एक बार अंदर से और दिखा देता हूँ हैरियर की कैसी है। एक बार अनलॉक कर देना हैरियर। जो मेन चेंज लगा है ना भाई मेरे को इंटीरियर में लगा है, ये देखो कितना ज्यादा प्रीमियम हो गया है। इसका गियर नॉब देखो भाई, कितनी सुंदर लग रही है गाड़ी, पूरा डिजिटल कर दिया है शायद। देखो जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये टाटा का लोगो अच्छे से दिख पाएगा, अभी दिख नहीं रहा है ना। तो चलो इनकी ड्राइव स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो कुशाक ही लग रहा है कि कुशाक जीतेगी, क्योंकि यार पावर स्पेक्स तो इसमें सेम ही है, और वेट बहुत ज़्यादा है हैरियर का, क्योंकि भाई टाटा का लोगो आपको पता ही है, और कुशाक इसके सामने थोड़ी हल्की पड़ेगी वेट में, तो इस वजह से कुशाक ही जीतेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकी ड्रैग। सो गाइस, मैं कुशाक में आ गया हूँ आरव के साथ। कैसा है ब्रो? बढ़िया भी, आप क्या लग रहा है? सच्ची बताऊँ, मैंने ना अभी कम से कम महीने से भगाई नहीं, और मेरी गाड़ी 10-12 दिन बंद रही थी, तो मेरे को लग रहा है इसी उसका अडॉप्ट नहीं हुआ वैसे परफॉर्मेंस का। मेरे को यही लग रहा है। ट्यून्ड स्टेज वन, ये भी तूने पूरे रेड करा दिया ना, काफी काम करा दिया रेड टर्बो। उसमें क्या मोड रख रहे हैं भाई? वो उसमें स्पोर्ट्स मोड रख रहे हैं भाई, फुल पोटेंशियल ट्रैक्शन, ट्रैक्शन ऑफ होता है उसका स्पोर्ट्स मोड में, टाटा का होता नहीं है वैसे। हाँ, पहले नहीं होता था, अब होता है। पहले तो नहीं होता था, हम एसी ऑफ रख रहे हैं और ट्रैक्शन होगा ना। हाँ। मोड अपनी में आता नहीं है कुशाक में। सो गाइस, फर्स्ट राउंड करने जा रहे हैं, रेडी? हाय, ये बहुत बढ़िया, अरे बहुत सही, अरे बहुत आ गया कुशाक तो यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गैप से रेस हुई, लेट होगी बट बस ले ले ब्रेक, ले ले ब्रेक, जीत गई भाई कुशाक, बढ़िया गैप से जीत गई, और बहुत ज्यादा बढ़िया गैप है ना। मेरे को लग रहा है एसी वाला कर लिया, एडवांटेज दे देते हैं, बाकी पूछ लेते हैं क्या ऑटोमेटिक है उसमें, सही टाइम पे लॉन्च हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। जीत गई है ना, लॉन्च वगैरह परफेक्ट था, एसी ऑन कर लेते हैं भाई, सब परफेक्ट था, बढ़िया, चलो ठीक है, एसी ऑन कर लो, कर लिया, कर लिया, हमारा ऑफ ही है, मैं कर रहा हूँ 1 2 3, नहीं 3 2 का आप कर लो, मैं आपको ना फोन पकड़ाऊंगा, अच्छा ताकि वो कोई दिक्कत, ठीक है, तो मैं भाई प्रथम भैया को फोन पकड़ा देता हूँ ताकि ना कोई दिक्कत ना हो। खुश हो, कोई डिग्रेडेशन नहीं हुई परफॉर्मेंस में, बिल्कुल ओके रिपोर्ट परफॉर्मेंस, बढ़िया रिजल्ट, सब कुछ ओके। गाइस एडवांटेज दे दिया है, एक तो एसी तो हमारा ऑन ही था राउंड 2 में, और अब राउंड 3 में 3 बंदे और बैठ गए, तो अपना एसी ऑन रखो, क्या हाल है, बढ़िया, और मान ले एसी भी ऑन है इसका, माल तो तू है, और मान ले सपाटे मारे, और मुंह कटती 100 सपाटे, हां तो अब अपना एसी भी ऑन है, 3 जने हैं, और भैया फोन पकड़ लोगे? हाँ, थैंक यू। अरे क्यों हो गया, मैं डरा दे यार ये अब तो। थोड़ी सी माइनर सी जंप हुई, बट इतना इफेक्ट नहीं आता। मैं जीत गए भाई, फिर जीत गए भाई, बहुत जीत रहे हैं यार, बहुत प्यार से जीत रहे हैं। ब्रावा, रोक लो अब, हाँ रोक ही लो, ब्रावा ब्रेक ले ली भाई। मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनती, एक्सटीरियर में और इंटीरियर में बहुत चेंजेस आए उस कार में, बट लग रहा है परफॉर्मेंस सेम ही है, कोई चेंज, और अभी है ना उसमें एसी ऑफ नहीं हो रहा था उसका, अच्छा इट स्टार्ट अप ब्रो, मतलब एसी ऑफ हो गया, फैन ऑफ नहीं हो रहा था। तो टाटा महिंद्रा में ये दिक्कत आती रहती है, छोटी मोटी आज के जब घर पे खड़ा रखते हैं।
सो गाइज अपग्रेड तो करा है टाटा हैरियर में टाटा ने, बट भाई परफॉर्मेंस में कोई अपग्रेड नहीं है, वैसे ही चलती है सेम, भारी गाड़ी है, मतलब परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं है। इनको महिंद्रा से ही कुछ सीख लेना चाहिए कि यार एक्सयूवी 700 डीजल में उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, बट इन्होंने परफॉर्मेंस वही रखी है और बस थोड़ा सा बाहर से चेंज करा है और इंटीरियर में मेजर इन्होंने अपग्रेड करा है जो कि बहुत अच्छा भी है, बट परफॉर्मेंस को भी इनको है ना ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। क्यों ब्रो? भाई पेट्रोल इंजन आएगा तब पता लगेगा, अभी डीजल में तो सेम ही है। पेट्रोल में भी इनको गियर बॉक्स भी अच्छा देना चाहिए जो ये डीसीए दे रहे हैं ना, देंगे ना आपको मजा। तो भाई कुशाक जीत गई है, यही वीडियो थी। कुशाक लवर्स, जर्मन लवर्स जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी स्क्रीन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइस।